होते हैं। तो जो इसके बाद आता है एक और, जिनका रेस्पिरेटरी फंक्शन है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी फंक्शन इनका, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं निमेटोफोर्स। क्या कहते हैं इनको? निमेटोफोर्स, दीज आर कॉल्ड एज निमेटोफोर्स। वो प्लांट्स जो रूट्स को यूज करते हैं टू फॉर रेस्पिरेशन, टू फॉर रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन देने के लिए, टू गिव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, उस तरह की रूट्स को कहते हैं निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स, ठीक है। और ये जो निमेटोफोर्स होते हैं ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? ये हेलोफाइट्स में, प्लांट्स में है। हेलोफाइट्स, जरा कोई बताएगा हेलोफाइट्स कौन से तरह के, किस तरह के प्लांट्स होते से हैं? जो प्यार करने वाला था, सॉल्ट से किस प्यार तरह के करने वाला एरियाज था में? हाँ, प्लांट। मार्शी एरियाज में, जी, ठीक सहेलो है। माने सॉल्ट। और और जो हेलोफाइट इज ए सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, इट इज सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ठीक है, इट इज सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ये याद रखना है इसमें हेलोफाइट्स में। इस तरह के प्लांट्स में निमेटोफोर्स निकलते हैं, यानी वो प्लांट्स, वो रूट्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स ग्रो होते हैं मार्शी एरियाज में, जहां पे ऑक्सीजन की सैक्रिस्टी होगी, ठीक है। और ये प्लांट्स जो होते हैं, ये जो रूट्स जो होते हैं, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये दिखाते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं निमेटोफोर्स, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं। और ये फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इनकी एग्जाम्पल है राइजोपोरा, मैनग्रोव प्लांट्स जिनको कहते हैं राइजोपोरा, एविसीना। दूसरी एग्जाम्पल लिखो, एवी सर जी, ट्रॉफी नहीं समझ में आया सर। सीनिया, दोबारा से बताऊंगा मैं ये, एविसीनिया एंड सोनारी, सुनेरी टिया, ठीक है। देखो, कुछ प्लांट्स जो साल्ट स्ट्रेस एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, यानी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा साल्ट स्ट्रेस की वजह से। तो वो वाले प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने टैप रूट से ऊपर की तरफ रूट्स लेके आते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ रूट्स लेके आएंगे। ये प्लांट है ऊपर, और नीचे से ही ऊपर की तरफ रूट्स आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनको कहते हैं निमेटोफोर्स। क्या कहते हैं इनको? निमेटोफोर्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? यस सर, ये वाला बोल रहे सर, जियोट्रॉपिक वही तो, निमेट रूट। कौन सा वाला? जियोट्रॉपिक सर, हाँ, जियोट्रॉपिक। ओके, जियोट्रॉपिक का मतलब देखो, रूट का काम नीचे की तरफ जाना है, ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ जाना। जियो का मतलब अर्थ, अर्थ की तरफ जाना। अगर कोई चीज मूवमेंट करेगी अर्थ की तरफ, उसको कहते हैं जियोट्रॉपिक। उसको क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिक। अगर कोई चीज लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ, जैसे ये शूट्स ऊपर की तरफ आते हैं, उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? फोटो ट्रॉपिक। तो यस ये दोनों टर्म समझ में आ गई, जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक। जो चीज ऊपर की सर, तरफ आ जाएगी उसको कहेंगे फोटोट्रॉप। लाइट की तरफ आ रही है कोई चीज, उसको कहते हैं फोटो। फोटो मतलब लाइट, फोटो ट्रॉपिक, फोटो की तरफ, लाइट की तरफ मूव करना। और जो चीज अर्थ की तरफ जाएगा उसको कहते हैं जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक, ठीक है। जैसे रूट्स अर्थ की तरफ चले जाते हैं उसको कहते हैं जियोट्रॉप, शूट्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं उनको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। अब जो चीज जियोट्रॉपिक हो उसको कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जो सॉइल की तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, उसको कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अगर वो अर्थ की तरफ नहीं गया तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है, सर ठीक है। इसी तरह जो चीज लाइट की तरफ आएगा उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक,
और जो चीज लाइट की तरफ नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ये तो मैंने बता दिया, इसको समझ में आया सर सबको? कुछ किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? ना सर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो मैं देखूंगा मैं किस किस से जल्दी बन पाएगा वो क्वेश्चन। मैं कहूंगा रूट्स आर, रूट्स आर पॉजिटिवली, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ऑल ऑफ द अबव। बताओ। सेकेंड एंड थर्ड। रुकिए सर, नहीं सर, ऑल सर। सर सेकेंड एंड थर्ड। सर बुक्स आर। सर ये क्वेश्चन कैसे बनाए हैं? ये इसमें तो सब हो बताओ, सकता है ना, ऑल ऑफ दी। अच्छा इसमें बताना है ना आपको कौन सा गलत है। गलत फर्स्ट बताना गलत है। है, हाँ गलत है। यस सर, रूट्स आर ऑलवेज नेगेटिव टू फोटोग्राफिक एंड फोटोग्राफिक। दो, इसमें दो से ज्यादा ऑप्शन है, बताओ कौन कौन सा है। दो से ज्यादा ऑप्शन है। अब मैं सर बताऊंगा फर्स्ट इसका गलत है, आंसर। बाकी सही है। ओनली वन ऑप्शन रुकिए इज सर करेक्ट। बताइए। करेक्ट कौन सा है इसमें बताओ आप? यस सर, वन इज करेक्ट, टू करेक्ट। इज पहला, करेक्ट, तीसरा करेक्ट, तीसरा तीसरा टू इज करेक्ट। अब एंड इसमें से पॉजिटिव ए, इसमें एंड से आंसर बताओ, नेगेटिव इसमें से आंसर बताओ तीसरा ए सर। बी में। सी में बताओ, आंसर टू एंड थ्री करेक्ट है, ओनली टू एंड थ्री। एंड डी फोर, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है आएगा? इसमें से वन आएगा, टू आएगा, टू ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी। समझ में आ गया? यानी रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, ऊपर की तरफ नहीं सर। आते, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन में लिखूंगा शूट्स आर, शूट्स होता तब होता सर वो वाला, दोनों शूट्स आर, ऑप्शन बताओ कौन कौन सा? दो होगा, पहला दूसरा। सर फर्स्ट होगा बस, इसका सिर्फ पॉजिटिव। जमीन इसने सिर्फ एक ही में होगा चला ना, जाएगा यार। शूट कहाँ की तरफ पहला होगा जाएंगे? सर, पहला। पहला ही होगा, ठीक है? यस सर, यस समझ में आया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आता कभी? नो सर। ठीक है, अब